हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मोनाली सुथार। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशन के बारे में, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन? डेफिनेशन क्या कहती है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का? प्री एनेस्थेटिक, प्री मीन्स पहले, ठीक है। तो इट इज़ द टर्म अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स प्रायर टू जनरल एनेस्थेसिया एज टू मेक एनेस्थेसिया सेफर फॉर द पेशेंट, ठीक है। एनेस्थेसिया देने के पहले जो भी मेडिसिन देते हैं उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कहते हैं। जब भी एनेस्थेसिया एडमिन करना होता है पेशेंट में, उसके पहले मेडिकेशन दी जाती है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, कि जिससे जो एनेस्थेसिया की प्रोसीजर रहती है पेशेंट में वो सेफर रहे। मेन एम क्या होता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का? मेन एम क्या है कि एंश्योर कम्फर्ट टू द पेशेंट एंड टू मिनिमाइज एडवर्स रिएक्शंस ऑफ एनेस्थेसिया, ठीक है। जो जनरल एनेस्थेसिया है उससे जो भी कोई भी एडवर्स रिएक्शन है उसको कम कर सकते हैं, किससे? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो पहले दी जाती है उससे। सेकंड वन क्या है? रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, देन डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ओके। तो ये जो रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है, वो कैसे होगा? तो वो जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी जाती है उससे होगा। देन गिव एंटीइमेटिक इफेक्ट। एंटीइमेटिक मीन्स कि वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेडिसिन दी जाती है उसको एंटीइमेटिक कहते हैं। तो गिव एंटीइमेटिक इफेक्ट एक्सटेंडिंग टू पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो मेन एम जो है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का इतना होगा। फिर कौन कौन सी ड्रग है जो यूज़ होती है फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, जो एंग्जाइटी को प्रिवेंट करता है, स्ट्रेस को प्रिवेंट करते हैं। दिस ड्रग्स आर प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल है डाइजेपाम, लोराजेपाम। नेक्स्ट उसके बाद आएगा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, प्रोमिथाजाइन एग्जांपल। देन नेक्स्ट है ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक में आएगा मॉर्फिन और पैथिडिन। नेक्स्ट उसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक्स, जो उसमें आएगा एग्जाम्पल एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। नेक्स्ट एंटी इमेटिक, जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है, तो उसके लिए है मिटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। तो ये जो थी सब, ये जो है सब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है। नेक्स्ट जो एंटी इमेटिक में दी जाती है वो ओंडोनसेट्रोन भी है। सिक्स नंबर पर है ड्रग्स रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ठीक है, जो एसिडिटी को कंट्रोल में रहे, प्रिवेंट करे, तो उसके लिए है रैनिटिडिन एंड फैमोटिडिन। उसके बाद है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में आएगा ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन। ओके, सो ये सब जो था वो था प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन को कब दी जाती है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मीन्स वॉट, उसमें कौन कौन सी ड्रग है जो यूज़ होती है एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। नेक्स्ट अब आएगा जनरल एनेस्थेटिक नेक्स्ट है जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि जनरल एनेस्थेटिक आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ओके, जो जनरल एनेस्थेटिक, जब जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी जाती है पेशेंट को, तो क्या होता है उससे? लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल अनकॉन्शियसनेस, एमनेजिया, एनाल्जेसिया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस एंड लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। तो ये था जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशन। उसमें प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में ये डिफरेंस है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है जो वो पहले दी जाती है एनेस्थेसिया से पहले, कि जिससे पेशेंट में क्या होगा, मेन एम जो है वो होगा मीन्स के रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, गिव एंटी इमेटिक इफेक्ट, ठीक है, उससे वॉमिटिंग प्रिवेंट होगी। अब नेक्स्ट जो है वो है स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया दी जाती है तो उसके स्टेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस, मे फील स्लीपी। एमनेसिया, एमनेसिया का मीनिंग है टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ
मेमोरी। सेकंड जो स्टेज है उसको बोलेंगे एक्साइटमेंट और डेलिरियम। जो उसका है सेकंड स्टेज में क्या होगा, स्टार्ट ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इरेगुलरिटीज इन रेस्पिरेशन, देन इरेगुलरिटीज इन हार्ट रेट। सिम्टम्स क्या होंगे स्टेज टू के, वॉमिटिंग होगा, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट एंड ब्रीथ होल्डिंग। अब है स्टेज थ्री। स्टेज थ्री में सर्जिकल एनेस्थेसिया और मेड्यूलरी पैरालिसिस। उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लक्स। लास्ट जो स्टेज है वो है स्टेज फोर, जिसमें होगा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, वेरी लो ब्लड प्रेशर, प्यूपिल इज वाइडली डिलेट। तो ये जो थे वो स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया, टोटल चार स्टेज है एनेस्थेसिया के। अब नेक्स्ट है जो जनरल एनेस्थेसिया मेडिसिन है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। जनरल एनेस्थेसिया हमने देखा उसकी डेफिनेशन, अब है नेक्स्ट है उसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में है इन्हेलेशनल एंड इंट्रावेनस। इन्हेलेशनल में है गैस, एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड, देन वॉलेटाइल लिक्विड्स, एग्जाम्पल है इथर, हेलोथेन, एनफ्लुरेन एंड आइसोफ्लुरेन। नेक्स्ट इंट्रावेनस, उसमें एग्जाम्पल है इंड्यूसिंग एजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका है एग्जाम्पल थायोपेंटल सोडियम एंड प्रोपोफोल। सेकंड वन है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स, उसमें है डाइजेपाम, लोराजेपाम एंड फेंटानाइल। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो इस वीडियो में हमने देखा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड उसका क्लासिफिकेशन, एंड अनदर इज स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।